और आज का जो टॉपिक है ये है जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये देखिए ये सारा समग्र चीज़ें हमने लिख कर लाया है, ये पहले से लिखा हुआ है, ये इसलिए है ताकि टाइम नहीं लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकूँ, इसलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है और एक एक समग्र क्लास लेकर के आएंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक है ये है जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत। ये देखिए नाम से ही ये क्लियर है, ये देखिए भूगोल से संबंधित है यानी कि किसी एक खास पर्टिकुलर जगह, वो कोई पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है, स्टेट के अंदर कोई शहर भी हो सकता है और यहाँ तक भी कई कस्बे का भी नाम इसमें जिक्र किया गया है, जो वो खास जो प्रोडक्ट है वो उसी खास स्टेट में, शहर में या फिर किसी कस्बे में वो बनाया गया है। और ये देखिए जीआई टैग किस किस चीज़ों को मिल सकता है उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं। वो कोई ड्रिंक होगा, कोई पेय पदार्थ होगा, वो कोई फूड आइटम होगा, है ना, वो कोई एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, खेती बाड़ी से संबंधित होगा, या फिर वो कोई हैंडीक्राफ्ट होगा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कोई जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, कोई खास तरह के जूते हो गए, खास तरह के साड़ी हो गई, या तो फिर कुछ मैट वगैरह चटाई वगैरह कहते हैं, वो सबको भी किसी एक खास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में उसको टैग दिया गया है, या तो फिर वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है ना। तो इस तरह से चार पांच चीज़ों के अंतर्गत जो है जीआई टैग दिया जाता है। और सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। ये जो है जीआई टैग का जो प्रावधान है ये मेनली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कहते हैं जी ऑर्गेनाइज करता है या फिर इसको उसी के अंडर जो है सो ये सब चीज़ें जांच पड़ताल होती है और फिर उसको दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे ये जो है सो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेरिस कन्वेंशन में 1999 यानी कि 1999 में ये बातें कह सकते हैं कि ये बातें हुई थी और जो है सो वहाँ पे ये पारित हुआ और ये जो देना शुरू हुआ यानी कि जो ये एक्ट पारित हुआ पूरी तरह से ये ग्राउंड पे जब आने लगा है ना, जीआई टैग दिया जाने का काम शुरू हुआ तो वर्ष था 2003। याद रखेंगे 2003 में जीआई टैग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब कह सकते हैं वो जमीन पे काम करना शुरू कर दिया। ऐसे इसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था पेरिस कन्वेंशन 1999 में और देश का जो पहला प्रोडक्ट है वो सबसे पहला प्रोडक्ट है दार्जिलिंग का चाय, है ना, दार्जिलिंग का चाय 2004-05 में जो कि असम स्टेट से वो बिलोंग करता है। जानते हैं दार्जिलिंग चाय फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि असम के अंतर्गत आता है और भारत का सबसे पहला जीआई टैग 2004-05 में असम राज्य के अंतर्गत आता है उसे दिया गया था। ठीक है, और इस तरह से आज तक 2019-20 में लगभग 350 के आसपास प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग का सवाल रहेगा कि 350 प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जा चुका है, भौगोलिक संकेत दिया जा चुका है, तो इतना याद कैसे करेंगे? बिल्कुल याद नहीं करना है ना, बिल्कुल ये 350 के 350 नहीं याद हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर कोई इसमें दिमाग लगाता भी है कि नहीं मुझे याद ही कर लेना है तो ये सब बेकार है, ये सब फालतू, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 350 में से अगर बहुत ज़्यादा श्रवणपति करना है तो इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये आप जो है सो गूगल करिए
और 350 में से 350 को एक बार देख लीजिए। सवाल बिल्कुल ऐसे बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से, वो चार ऑप्शन रहेंगे, निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग नहीं दिया गया है, उसमें से तीन प्रोडक्ट जीआई टैग धारक रहेगा और एक प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तो वहां पे अगर आप देख लेंगे 350 के 350, तो वहां पर आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको वहां पे जैसे ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पे वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। या तो फिर ऐसा रहेगा तीन ठो जीआई टैग धारक रहेगा एक ठो नहीं रहेगा, या तो फिर ऐसा रहेगा जैसे कि रहेगा निम्न में से किसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे एक ठो जीआई टैग धारक रहेगा और तीन ठो नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेना है, ठीक है, गूगल करिए, पीडीएफ देखिए और एक बार 350 के 350 देख लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो इसमें जो सबसे बेहतरीन रणनीति है कि जब आपका एग्जाम है, ठीक है, जिस कैलेंडर ईयर में है, अभी जैसे 2019-20 का तो कोई एग्जाम का तो इधर कोई हिसाब किताब दिख नहीं रहा है कोरोना वायरस के कारण, और जब एग्जाम होता है, मान लीजिए आपका भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक रहे, अगर जो 21-22 में अगर एग्जाम होता है कोई, तो बस आपको उसी साल का देखना, ठीक है, उस साल में किस स्टेट से किस प्रोडक्ट को मिला है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट को मिला है वो कौन सा स्टेट से है, उस प्रोडक्ट का नाम याद रखना है। हो सकता है उसको अलग अलग कैटेगरी में जैसे मिलता है, किसी कोई ड्रिंक है, कोई फूड पदार्थ है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो उस तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चांस कम है। यहाँ पे ही ज़्यादा चांस है कि कौन सा प्रोडक्ट को हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, ठीक है, उसमें तीन ठो नहीं रहेगा एक ठो जो है आपका रहेगा। आपको उसका प्रोडक्ट का नाम याद रखना है और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ 2019-20 का कुछ जो है लगभग 100 प्रोडक्ट लेकर आए हैं, लेकिन आपको ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है इसे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जैसे कि आप लोग, जैसे कि हम अभी आप क्लास ले रहे हैं 2019-20 में, तो 2019-20 का ही आपका आंकड़ा यहाँ पर लिए हैं, कुछ आंकड़े और भी हैं, लेकिन बेसिकली आपको देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही करना है जो मैं यहाँ पे बताया कि जब आपका एग्जाम रहेगा उसी समय आपको उसी साल का यानी कि करेंट ईयर का जो है सो आप ध्यान में रखेंगे कितने सारे प्रोडक्ट को ये जीआई टैग मिला गया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल, ठीक है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो आपका ये देखिए ज्योग्राफी का इंडिकेशन के अंतर्गत जैसे लगभग आए दिन जितना भी एग्जाम हुआ है वो कहीं ना कहीं जैसे एक क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे बात करते हैं क्या है जीआई टैग के फायदे क्या है, है ना। कोई भी चीज़ है जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चाहे आम जनता हो चाहे वो सरकार हो, नाफा नुकसान का जो पैमाना तोल करके ही वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाफा नुकसान क्या है, यहाँ पे देखिए जीआई टैग के जो फायदे हैं, लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है, चाहे वो फूड हो चाहे वो ड्रिंक हो चाहे वो इंडस्ट्री में बनाया गया हो चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित कुछ हो, तो वो जो प्रोडक्ट है वो जो माल है वो जो सामान है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि जो जी आई टैग जो हैंडल किया जाता है यानी किसके अंडर दिया जाता है, किसकी देखरेख में दिया जाता है, वह है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरी दुनिया, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट को दिया जा रहा है और ये चीज़ें जो चलता है। तो ये देखिए वो जो प्रोडक्ट है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, पहला फायदा ये है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरी क्या है, प्रिवेंट अनऑथराइज यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो अनऑथराइज नहीं हो जाए, मतलब क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट है जैसे कि मान लीजिए दार्जिलिंग चाय, ठीक है, अगर पैकेट पे लिखा है दार्जिलिंग चाय तो कहीं न कहीं 110% वो प्रोडक्ट दार्जिलिंग में ही उत्पादित किया गया है, वहीं पर उसका प्रोसेसिंग किया गया है, ठीक है, मतलब वहीं
से वो है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी आली जाली चाय ले लिया, उसको पैकेट को दार्जिलिंग चाय लिख दिया और वो लोकल में ही बना करके वो मार्केट में बेच दे रहा है, ठीक है, तो वो अनऑथराइज हो गया, मतलब उसको कोई भी प्रकार के वो आधिकारिक रूप से उस पर अधिकार नहीं है, ठीक है। तो दूसरा फायदा ये है कि उसको जो है सो इस तरह से क्या कर सकें काला बाजारी या फिर लोकल जगह पे उसको उत्पादन करके उसको बेचना और मुनाफे कमाना, इस चीज को वो रोकता है, ठीक है, जी आई टैग से मिला गया। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब आप समझ सकते हैं WTO के अंदर अगर जो सब चीजें हो रही है तो वो बेहतरीन है, वो एक नया चीज ही होगा। उसको जी आई टैग देने से पहले WTO के द्वारा जारी की गई जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, वो सारे पैरामीटर पर वो पूरी तरह से खरा उतरेगा, इसके बाद ही उसको जी आई टैग दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर वो जिस चीज का वो दावा कर रही है, जो कंपनी है जिस चीज के बारे में वो दावा कर रही है कि हमने ऐसा ये प्रोडक्ट बनाया है, तो वाकई में वैसा है, ठीक है। क्यों वैसा है? क्योंकि इसमें वो क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है सो WTO के अंतर्गत जो है सो उसके देख रेख में जितने भी सारे वो पैरामीटर है, जितना भी उच्च क्वालिटी का जो एक गुण होना चाहिए, वो गुण जब तक उस प्रोडक्ट में नहीं होगा तब तक उसको जी आई टैग दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है कंज्यूमर की, हम कंज्यूमर की जो उपभोक्ता है, हम अब जो उसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं चाय, तो जो चाय यूज कर रहे हैं दार्जिलिंग चाय का, या फिर वो यहाँ पे देखें तमाल हल्दी है या फिर रसगुल्ला है, अभी चर्चा करेंगे, इस तरह से बहुत सारे जूते हैं, चप्पल हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट है, तो वो सब चीज़ों को एक जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो मिलेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कंज्यूमर भी इसमें फायदे हैं और जो प्रोड्यूसर है वो भी इसमें फायदे में है। अगला जो चौथा पॉइंट है, प्रमोट द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रोडक्ट को जी आई टैग मिला, जिस प्रोडक्ट को जी आई टैग दिया गया, मतलब वो एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में वो बातें हैं जो बात होनी चाहिए, चाय में जो चीज़ें होना चाहिए, या फिर हल्दी में जो औषधीय गुण है, या फिर रसगुल्ला है जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, मतलब इसमें कोई क्या कहते हैं जी डुप्लीकेट या फिर माल खराब बना देना, या फिर जहाँ तहाँ, जैसे कि एक मान लीजिए कि एक टाटा सॉल्ट है, ठीक है, टाटा सॉल्ट है, तो बहुत सारे ऐसी जगह है, मैं देखा हूँ अपने आंखों से देखा हूँ, तो वो पैकेट को ले लिया है, ठीक है, अंकुर नमक है उसको पैकेट को लिया है, वो सिर्फ पैकेट खरीदा, मुझे नहीं मालूम कि वो पैकेट कंपनी वाले बेचती है या फिर वो खुद बनाती है, ठीक है, वो पैकेट खरीदा और अपने ही घर पे उस पे नमक भर भर के और सिंपल सा पैक करके उसको बेच रहा है उस कंपनी के नाम से, तो ये यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता पकड़ा जाता है, जिस चीज़ों को जी आई टैग दिया गया है उस पर कालाबाजारी कर रहा है, हेर फेर कर रहा है, मिली मिलावट कर रहा है, तो उसमें सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, ठीक है। एक्ट देखते हैं 1999 एक्ट के तहत, तो यहाँ पे देखिए प्रमोट द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मतलब जिस प्रोडक्ट को जी आई टैग मिला उसको वो प्रमोट करेगी, प्रमोट करेगी मतलब उसको जो दाम है वो डिसाइड करेगी, और जाहिर सी बात है अगर वो लेबल है एक ब्रांड है तो दाम भी ठीक ठाक ही रहेगा, ठीक है। ब्रेक द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोडक्ट, है ना, जैसे कि यही बात मैं यहाँ पे कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे जो ये है ब्रेक द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ रसगुल्ला को, रसगुल्ला जिसकी हम लोग बहुत दिन जान रहे हैं वो कोलकाता से था, फेमस कोलकाता से रहा, पश्चिम बंगाल से, लेकिन आज देखिए वो ओडिशा को मिला है, रसगुल्ला का जो है जी आई टैग ओडिशा को मिला है, तो ये एक डिस्प्यूट था, ठीक है। कोलकाता वो अपना दावेदारी पेश कर रही थी और ओडिशा अपना दावेदारी पेश कर रही थी, ठीक है। तो इस पे जांच पड़ताल हुई, WTO के अंदर के जो अधिकारी हैं अथॉरिटीज हैं वो आए जांच पड़ताल किए, तो ये रसगुल्ला का जो जी आई टैग है वो ओडिशा को मिला है, तो वही चीज़ है ब्रेक द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोडक्ट, जिससे और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो एक ही प्रोडक्ट को अगर दो जगह या तीन जगह या कई जगह अगर उस पे लोग बना रहे हैं या फिर वो दावे कर रहे हैं, तो वो जो दावा है, वो जो डिस्प्यूट है, वो जो विवाद है,
उस विवाद को दूर किया जाएगा पहले, है ना। पहले ये किया जाए कि सबसे बेहतर क्वालिटी कौन दे रहे हैं, ठीक है। उस क्वालिटी को जांच किया जाएगा, उसका जो जितना भी पैरामीटर है सबको जांच किया जाएगा, जहां बेहतर पाया जाएगा, जहां उच्च क्वालिटी का पाया जाएगा, या फिर जहां पे एक ऐतिहासिक तौर पे जो बहुत दिनों से किया जा रहा है, तो वो डिस्प्यूट को वो खत्म करेगा, ठीक है। इसके बाद किसी एक अगर कि दो जगह पे अगर एक ही प्रोडक्ट कोई दो जगह अगर दावे कर रहा है कि ये मेरे यहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये मेरे क्षेत्र में सबसे पहले मिले हैं, या फिर उच्च क्वालिटी के मिलते हैं, तो उस डिस्प्यूट को खत्म करेंगे। इसके बाद जो निखर करके सामने आएगा उसे दिया जाएगा GI, ठीक है। GI टैग ये होता है कि भौगोलिक संकेत, ठीक है, भौगोलिक संकेतक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, चाहे वो खाने पीने को हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने को हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल आइटम हो, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में वो बनाए जाते हैं, जिस क्षेत्र का वो आधिकारिक है ना, आधिकारिक इन द सेंस कि वो दावा कर रहे हैं कि हाँ यहाँ हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें इतना दिनों से बनाई जा रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी का हम बनाते हैं, तो उस चीज़ों को जांच करते, उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड नाम दिया जाएगा, एक अथॉरिटीज उस पर जो है सो अथॉरिटीज मार्क दिया जाएगा कि ये है आपका क्षेत्र का ये प्रोडक्ट है, और जहाँ पर भी बिकेगा आप ही के नाम से बिकेगा। अगर जो कोई इस पे थर्ड पार्टी या फिर सेकेंड पार्टी अगर इस पे इन्वॉल्व होता है तो उस पे जांच किया जाएगा, डिस्प्यूट होगा, उस डिस्प्यूट को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लिस्ट है हमारे पास प्रश्नों, और ये लिस्ट को याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है, जब आपका एग्जाम होगा उस ईयर का देखना, उस करेंट ईयर का देखना, ठीक है। और हो सकता है आपको ये देखना है कि सबसे पहला GI टैग किसे मिला, या फिर अभी जो है सो फिलहाल सबसे ज्यादा लार्जेस्ट GI टैग धारक कौन सा स्टेट है, मतलब किस राज्य के जो है सो प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा 2, 4, 10, 20 या फिर सब, मतलब कुल मिलाकर सबसे ज्यादा GI टैग पाने वाले कौन सा स्टेट है, तो वो अभी फिलहाल है कर्नाटक, ठीक है। नॉट श्योर ये कंटिन्यू रहेगा, ये इसको भी कोई पीछे छोड़ के ओवरकम आगे कर सकता है, इसलिए अभी कर्नाटक है। और जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो उस समय का करेंट डाटा आप लोग जरूर देखिए। और ये तो दार्जिलिंग हो गया, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि कंधमाल हल्दी, ये ओडिशा से, ठीक है, आपका रसगुल्ला भी ओडिशा से है ना, कोटी कनाल ये पोंडू ये तमिलनाडु से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप ये जो हम बताए ना कि 300, 350 से ज़्यादा है ये प्रोडक्ट है, छुप दिया टैग दिया गया है, जब ये आप पढ़ेंगे गूगल करके PDF डाउनलोड करके, तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा जिसकी कंधमाल हल्दी, तो वहाँ पे है आपका लिखा हुआ दिया हुआ है ये क्या है, ये ड्रिंक है, फूड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या हैंडीक्राफ्ट है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं प्रोडक्शन है, तो ये भी दिया है, ठीक है, वहां पे देखिएगा। यहाँ पे हमने बस एग्जाम्पल के लिए दृष्टो दे दिया है, बेसिकली आपको इसे याद नहीं रखना है लेकिन जानना है कि होता कैसे है। कंधमाल हल्दी ओडिशा से है, रसगुल्ला ओडिशा से है, इकोटिकमा पांडु ये तमिलनाडु से है, पलानी पंचमृतम पंचमृतम तमिलनाडु से है, ये मिजो पंचो ये मिजोरम से है, आपका गुलबर्ग तुअरदा ये कर्नाटक से है, आपका तिरतू ये तिरूर मिट्टल कि पान के पत्ते ये केरल से हैं, खोला चीनी ये गोवा से है, मिर्च लग रहा है ना, खोआ चीनी खोआ नहीं खोला चीनी ये गोवा से है, आपका है ये कंडागी साड़ी तमिलनाडु से है, जैसे कि हमने बताया ना कुछ साड़ी है, जूते हैं, चप्पल हैं, कुछ हैट वगैरह भी है, मतलब जैसे कि कुछ जो खाने का प्रोडक्ट है हमारे बिहार से है, बहुत सारे जरदालू हाल फिलहाल जरदालू आम को मिला है, आपका शाही लीची मुजफ्फरपुर को मिला है, सिलाव खाजा को मिला है ना, इस तरह से ढेर सारी चीज़ें मिला है। वो देखिए अगर स्टेट वाले स्टेट डिशेज हो गया है, फिर स्टेट से संबंधित बिहार SSC झारखंड SSC राजस्थान SSC वहाँ पे अगर देंगे तो उस राज्य का जो स्पेशल GI टैग है उसको देखना है, ठीक है। ये हो गया, इसी पर कंडा की साड़ी तमिलनाडु होगा, इसके बाद है जीरा फूल छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये 10 जो हमारे पास बस एक एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट को जो है सो भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, ठीक है।
तो यहां से देखिए आप लोगों को करना क्या है, इस तरह से आज जैसे कि होगा जी आई टैग पे मैंने एक छोटा सा वीडियो लाया, आपको आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो देखिए एक दो बार देखिए, और अब तो हाँ ठीक है, अगर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो आप इसको एक काम करिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात जो है सो वीडियो ऐसे नहीं शुरू करना है, एक कॉपी कलम लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और जो है सो एक नोट्स की तरह जो सब कुछ बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम एक ही वीडियो रोज लेकर आएंगे, देखते हैं धीरे धीरे जो है सो आपको एक बड़ा सा, ठीक है, सारा जो ये मेरा ये प्रोजेक्ट है ये बड़ा करेंगे। जब बड़ा होगा तो फिर वीडियोज भी लंबी आएंगे, लाइव क्लासेस होगा, इसके बाद एक मास्टर वीडियो की तरह 1 डेढ़ 2 घंटा 4 घंटा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जैसे एक लंबी वार्तालाप होगी, पूरा समग्र अध्ययन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर इतिहास से कोई टॉपिक पे उठाए तो 1 डेढ़ 2 घंटा की एक लंबी क्लासेस चलेगी, ठीक है। चलिए तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा से पूरा देखने के लिए, और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देख लीजिए इसके बाद। अब देखिए वही बात है जो हमने बताया था कि हम आप ही के बीच से उठ करके यहाँ आए, ठीक है। हमने भी YouTube देखा करते थे तो हमें लगा कि YouTube पर जो है सो कुछ बातें हमें भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और चैनल मैं एक बार जरूरी है प्रमोट करना, अनिल गुरु है ना, ANIL अनिल गुरु को सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद नाम में कुछ लोगों ने रिकमेंड कर रहे हैं कि नाम कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में नाम अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पसंद तो आप लोग को आना चाहिए। मेरा नाम है अनिल, मेरे नाम से चैनल है अनिल गुरु, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन दबाने से जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और शेयर कीजिए दोस्तों को बताइए। और एक छोटा सा शहर है, ठीक है, जैसे कि जानते हैं हम देवघर से क्लासे ले रहे हैं, देवघर झारखंड बाबाधाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ से क्लासेस ये चल रही है, और एक छोटे से मुकाम से एक बड़े स्तर तक पहुँचने का एक ख्वाब है जो आप लोग से ही पूरा होगा, ठीक है। तो सपोर्ट करिए और शेयर करिए, ठीक है, पूरे दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस, और किस तरह से रोज एक एक वीडियो। अभी जैसे एक कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा करेंट अफेयर पे, ठीक है, करेंट अफेयर जरूरी है, रोज रोज की चीज़ें जो देखना है, करेंट अफेयर वीडियो आएगी कोई एक टॉपिक का, और ठीक है, कल 2 वीडियो लेकर आऊंगा, एक करेंट अफेयर और इसी तरह से कोई एक टॉपिक जैसे कि आज होगा GI टैग, उस तरह से कोई छोटा सा टॉपिक पे वीडियो आएगा। चलिए थैंक यू, और थैंक यू, स्टे विद अस, लाइक करिए वीडियो को, जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। चलिए।